क्यों इतना आइटम कर लो रहा है? वो मैडम चौकी में कुछ करने को था नहीं, यूं ही बोर हो रहा था तो सोचा बोर होने से अच्छा कुछ नाच लेता हूँ। चौकी में बोर हो रहा है तू? कोई काम ना है तेने, जॉबलेस हो रहा चौकी में है कुछ काम? ठीक है तो ये काम करो कि अब जो है आज पूरा दिन जो भी काम तू करेगा उसे नाश्ते पे करेगा तू। मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली हैं, पूरा का पूरा दिन नाचते हुए कैसे? स्टार्ट। मैडम जी मैं भी यहाँ हूँ। ओह क्या बात है, तू भी यहाँ है तो मैं के बाइट बास करवाऊँ, चौकी में पुताई करवा लूँ मैं? एहसान कर रहा है यहाँ होके नहीं मैडम जी, रोके। मेरा नाम है राकेश रोके। किसी और से पूछिए। क्यों जब खड़ा तू यहाँ है तो किसी और से क्यों पूछूं मैं? किसी और से पूछिए। अबे इतना थारे से ही पूछूंगी मैं। अरे नहीं मैं मैडम जी, अरे किसी और से पूछिए, ये हमारा तकिया कलाम है। ओह और गद्दा कलाम? Well bro, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट problem is the है? अरे दादाजी हम एयरपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टेशन की बात कर रहे हैं। किसी और से पूछिए। आप यहाँ पे हमको तपाने आए हो? अरे नहीं नहीं भाई, चुप रहा यार तुम। मैडम जी हम किसी एयरपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम खामोश जंक्शन की बात कर रहे हैं। अरे मैडम जी वो जो स्टेशन है ना मैडम जी, वो भूतिया स्टेशन है। हाँ अरे वहाँ पे चाय वाला, कुली, रिक्शा वाला, सबके सब भूत हैं। ओह क्या बात है, कहाँ है ये भूतिया स्टेशन? अरे मैडम जी भोपाल इटारसी लाइन में है। हाँ और हम उस स्टेशन में उतर गए, वो क्योंकि क्या है कि वो टीसी ने हमसे कहा था कि चाय क्या खाना भी खा लो और पास के सर्किट हाउस में रुक भी जाओ, इंजन खराब हो गया है, अब ये ट्रेन सुबह ही चलेगी। मतलब तुम्हारे कहने का यो है कि वहाँ पे उस स्टेशन में और वहाँ सब जो है बेसिकली वो जगह हॉन्टेड है, वो भूतिया जगह है। अरे यार तुम नाचते रहो कि सब खड़े रहो यार। देखिए मैडम जी क्या है ना कि हमको ये सब पता तो नहीं चला कि हम अस्पताल कैसे पहुंचे, हमको कौन लेके गया, लेकिन हाँ जैसे हमको होश आया तो हमने देखा मैडम जी कि हमारा सारा सामान लूट गया जिसमें लाखों के जेवर थे। आए, आए। मतलब आपका कहना यह है कि लाखों के जेवर भूत लूट के ले गए आपके? अब हम ये सब कुछ नहीं जानते, बस हम इतना जानते हैं कि भैया भूतों का मैं शिकार हुआ हूँ, वो भी खामोश जंक्शन में। खामोश जंक्शन, इसका नाम क्या बताया तुमने टीसी का? हालू सक्सेना। अब मैडम जी हमने नेम प्लेट में पढ़ा था। किसी और से पूछिए। तो अब तक आया क्यों नहीं है? अरे कलर डाइस कहाँ है हो टीसी हालू सक्सेना? उसको मैडम भैया लेने गए। फिर तो आ गया, भैया लेने गए। टिकट हो गई तुम लोगों की? हाँ मैडम आपने कहा है तो टिकट तो हो गई ना मैडम, करवा ली टिकट, जाएंगे अब ट्रेन से। वैसे ट्रेन में सफर करने का शौक हम भी रखते हैं, सोचा था ऐसे पूड़ी और सूखे आलू और अचार वचार लेके ट्रेन में सफर करेंगे, जन्नत की सैर हो जाएगी। लेकिन अब जिस ट्रेन में जा रहे हैं वो तो अब हमें सीधा जन्नत ही पहुँचाएगी। तो बढ़िया है ना, फिर जन्नत पहुँचाएगी तो यहाँ रह के भी कोई पर्पस तो सर्व हो ना रहा तुमसे। Well, mom, she is the driver is the and she is the TC is the. मैडम जी आपने हमें यहाँ बुलाया, वेटिंग लिस्ट कंफर्म कर दूंगा। तू ही है हालू सक्सेना? जी हाँ मैडम जी हम ही है। हाँ, टीसी हालू सक्सेना, वेटिंग लिस्ट कंफर्म कर दूंगा। और हम हैं चिंटू चिरंजी, इंजन ड्राइवर, ट्रेन राइट टाइम है। हाँ। ओ, अरे तो रहा है, इसको देखो, गौर से देखो, आंखें फाड़ के देखो, फुल ताड़ के देखो। ये वही आदमी है जिसे कल रात तुमने वो खामोश जंक्शन स्टेशन पे कहा था कि ट्रेन अब कल सुबह ही जाएगी क्योंकि इंजन खराब हो गया है, याद आया? अरे क्या बेकार की बात कर रहे हैं आप, ऐसा हमने इनसे कुछ नहीं कहा। और खामोश जंक्शन नाम का कोई स्टेशन ऐसा है ही नहीं जहाँ ट्रेन रुकी हो। वेटिंग लिस्ट कंफर्म कर दूंगा। क्यों चिंटू? नहीं, अगर आपके सक्सेना जी ठीक कह रहे हैं तो क्या ये जो रोके जी खड़े हुए हैं ये गलत बोल रहे हैं कि ट्रेन रुकी थी खामोश जंक्शन के ऊपर? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, सरासर गलत बोल रहे हैं। अगर यकीन नहीं होता तो ये मैप खोल के देख लीजिए कहाँ है खामोश जंक्शन। अरे के यार राकेश, क्या हो रहा है, क्या कह रहे हो सब? अरे मैडम जी, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। खामोश जंक्शन नाम का स्टेशन है और ट्रेन वहां पर रुकी थी जहां पे वो सब भूत प्रेत रहते हैं। लेकिन मैडम, ये जो टीसी है ये वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है मैडम कि नाम तो इसका सेम है, हालू सक्सेना, लेकिन इसकी जो शक्ल है वो दूसरी है। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप, क्या बकवास कर रहे हैं? पिछले 20 साल से भोपाल इटारसी रूट पे सिर्फ एक ही टीसी चल रहा है और वो है हम खुद है हल्लू सक्सेना, और आप कह रहे हैं कि हमारे नाम से कोई और है। वेटिंग लिस्ट कंफर्म कर दूंगा। अरे अरे भाई, मैं सच कह रहा हूँ, आप लोग हमारी बात का यकीन काहे नहीं करते हैं? किसी और से पूछिए। नहीं, यकीन वकीन की बात दीगर है, मेन बात ये बताओ कि जिस समय तुम्हारी ट्रेन खामोश जंक्शन पर पहुंची उस वक्त टाइम क्या हो रहा था? अरे खामोश जंक्शन नाम का कोई स्टेशन है ही नहीं। यू शट द अप इज द, वरना रैप्टे पड़ेंगे धपा धप इज द। सॉरी दादाजी। मैडम जी, जहां तक हमको याद है कि मैं सो रहा था और कचौड़ी की खुशबू से हमारी आंखें खुल गईं, तो हमने देखा कि कचौड़ी का स्टेशन आ गया। और उस समय हमने जब अपनी घड़ी पे देखा तो 2 बज रहा था। और मैडम, कचौड़ी गंज स्टेशन से ठीक 5 मिनट बाद हमारी जो गाड़ी है वो नर्मदा नदी के पुल के ऊपर पहुंची और वहां से ठीक 10 मिनट बाद, मेरा कहने का मतलब है 2:15 पे वो जो है खामोश जंक्शन में पहुंच गई। 2:15। बाल को अपनी अपनी घड़ियां मिला लो, देखते हैं आज रात 2:15 पे खामोश जंक्शन आता है कि नहीं। बजने वाले हैं 2:15, पता नहीं अब क्या हो इसका। मैडम जी, 2:15 बज गए। मैडम 2:15 बजे और ट्रेन तो रुक भी रही है। खोलियो जरा खिड़की, देखें भूत हुआ तो। देख लिया मैडम, यहाँ कितना अंधेरा है, दूर दूर तक कोई स्टेशन नहीं है। वेटिंग लिस्ट कंफर्म कर दूंगा। तो भाई राकेश रोके जी मैडम, नहीं अकॉर्डिंग टू यू तो यहाँ तो आ जाना चाहिए था ना खामोश जंक्शन, तो किद गया? हाँ, किसी और से पूछिए। अरे अब कुछ भी किसी से पूछने की कोई जरूरत ना है। खामोश जंक्शन नाम की कोई जगह ना है। यार तू अजीब फालतू आदमी है यार, एक नंबर का बिल्कुल बकवास आदमी है तू। मारे बालकों की बेकार में तूने परेड करा दी, रेल लगा दी इनकी फुल नाइट एक्सरसाइज। अबे थारा खामोश जंक्शन ना तो रेलवे के मैप पे है और ना जो तेने जगह बताई थी उसके 10 किलोमीटर के गैप पे है। भाई मैं क्या कह रहा हूँ कि ये टीवी में चैनल कितने आएंगे, मतलब ये जो है ये मतलब क्लियरिटी तो ठीक है ना इसकी कि मतलब बस देख रही है सही साट और चले ना फिर बाद में। मैडम जी इसको क्या हो गया, चाह के तो देख लूं पहले फिर यूं ही फिर बाद में पैसा तो ले लोगे तुम पूरा। नहीं चल रहा, चल ही नहीं रहा, ये यही मसला सेकेंड हैंड चीजों का। खोकू तो चले फिर शायद। सर कुछ हुआ था क्या? उन्हें कुछ बचाया बे? हम टीवी है वो भी सेकंड हैंड, बचा दिया हमारा बैंड, बस छोटा ला हम रूठ गए आज बस। तो हम यहीं पे। हाँ तो अभी ये प्रेशर डालना है यो। क्या करें? सॉरी अबे थारे जो इतने जान के प्यारे हो रहे हैं, लाखों के जेबर, उनका कोई तैने करवाया? इंश्योरेंस करा रहे हैं लोग, बीमा करा रहे हैं अपनी, तैने कराई कुछ? हाँ मैडम जी हमने करवाया है, मैं अपनी हर चीज का इंश्योरेंस करवाता हूँ, किसी और से पूछिए। अब तो क्यों यहाँ इतनी मिर्ची लग रही महाराजा रहा गोप्स? या मॉम बुला इसकी बीमा कंपनी इंश्योरेंस वालों ने, बात करें उनसे। ओके। अरे दादाजी अरे जरा चाय तो पिलवाइए। अच्छा जरा क्या क्या खाओगे, इधर आओ जरा बताओ जरा मेरे को। वगैरह ढाबा खोला यहाँ पे है? चाय मंगाओ, जीजा लगता हमारा तू। भैया क्या है? ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। यार मैं शक्ल से गधा लगता हूँ तुम्हें? चलो खैर ठीक है कोई बात नहीं। क्या है भैया? रसगुल्ले। आज पता है क्या हुआ, मैं चौकी आने के लिए घर से निकल रहा था तो मैंने देखा फ्रिज के पीछे छुपा के दीदी ने ये रसगुल्ले रखे हुए थे। फ्रिज के पीछे? हाँ और ये जरूर उन्होंने जीजू से छुपा के रखे होंगे क्योंकि वो कुछ भी उठा के खाते हैं। अगर जीजू ये खाते तो उनके तो तन ये लगता नहीं, और अगर दीदी ये खाती तो वो खामखाम उठाती। इसलिए मैं जानता था इसके लिए सही पार्टी। भैया आप पर यार मैं खा तो लूं, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? भैया मैं अपने ऊपर ट्राई कर लेता हूँ। नहीं खा लेता हूँ, मैं खा लेता हूँ। नहीं खा रहा हूँ ना भाई, खा रहा हूँ। वाओ 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 वाओ। ओह माय गॉड वेरी वेरी टेस्टी यार। हाँ भाभी बोलता हूँ। हाँ भाभी यार बिल्लू तेरा फोन आया था, फ्रिज के पीछे कुछ रसगुल्ले रखे थे, अगर तू वो गलती से ले आया हो तो खाना मत, उसमें कॉकरोच मारने की दवा है। आइए आइए। एक्सक्यूज मी सर, हम इंश्योरेंस एजेंट हैं, नाम है सीमा, करता हूँ बीमा, पॉलिसी पकाओ है। तो तुम ही हो वो इंश्योरेंस एजेंट हो जिसने राकेश रोके के जेवर का बीमा कराया? जेवर का हो या भाभी के देवर का, करता हूँ बीमा, पॉलिसी पकाओ है। लड़के जितना पूछा जाए उतना जवाब दो, वैसे भी यहाँ पे माहौल बहुत गर्म है। हाँ, मैंने ही राकेश के जेवरों का बीमा किया था जो अब चोरी हो गए। क्या चोरी हो गए? अरे मुझे तो पहले ही शक था कि ये अपने जेवर चुरवा के ही रहेगा। मतलब क्या है तुम्हारा? सर, जब मैं इसके जेवर का बीमा कर रहा था और उसका फॉर्म भर रहा था तब इसने मुझसे 40 बार पूछा था और हर बार इसका सुर ऊंचा था कि अगर मेरे जेवर चोरी हो जाए तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, कि अगर मेरे जेवर चोरी हो जाए तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। इसीलिए मुझे शक है, वो भी टकाटक है, कि इसी ने अपने जेवर गायब करवाए हैं। तुम क्या बात कर रहे हो है? और मैं ऐसा भला क्यों करूंगा, किसी और से पूछिए। अबे क्यों नहीं करोगे बे? ये मामला ना हमारे दांतों की तरह बिल्कुल साफ है, ना कोई खामोश जंक्शन है ना ये भूतिया मामला। ये सारा कांड तुम्हारा रचा गया भैया। yes! इसलिए सजा तुम्हें मिलेगी। क्या